मालकिन सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा रहा था? लेकिन ये दरवाजा क्यों खोला तूने? मैंने नहीं खोला मालकिन, पहले से ही खुला हुआ था। देख राजू, ये दरवाजा मैंने अभी बंद किया था, तूने खोला है ना? नहीं नहीं मालकिन, कैसी बातें करी, मैं दरवाजा क्यों खोलूंगा, पहले से ही खुला हुआ था। वो शायद हवा तेज चल रही है ना बाहर, तो इसलिए खुल गया होगा, मैंने नहीं खोला। एक काम कर, यहाँ की सफाई छोड़, जाके किचन में मेरे लिए चाय बना ले। मालकिन पहले ये सारा साफ कर देता हूँ ना, फिर बना दूंगा चाय। सुना नहीं तूने कि मैंने क्या बोला? जा किचन में जाओ और मेरे लिए चाय बना। जी मालकिन। ये दरवाजा तो मैंने बंद किया था, ये पक्का इसी ने खोला होगा। और कैसे घूर रहा था मुझे, हो ना हो जरूर इसकी नजर गंदी है मुझ पे। आजकल के नौकरों पे ना भरोसा ही नहीं कर सकते, मुझे बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। रामू क्या कर रहा था? रामू तुझे घूर रहा था क्योंकि रामू तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुझे तो रामू का प्यार दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए अब रामू तुझे पाएगा। गलत रास्ते ही सही, लेकिन तुझे पाएगा जरूर। अरे कैसी औरत है, पति 6-6 महीने बाहर रहता है फिर भी सोचती नहीं है किसी के बारे में। अरे तेरा पति घर पे नहीं है, तेरा नौकर तो है, उसी से प्यार कर लेना। कोई बात नहीं, तू गलती कर रही है ना, तेरी गलती आज मैं सुधार दूंगा। तू ऐसे तो मानेगी नहीं, शायद तेरा दिमाग खुद ही नहीं चल रहा, लेकिन एक बार तुझे बेहोश कर दूंगा ना, उसके बाद शायद तेरा दिमाग चलने लगे और तुझे भी मुझसे प्यार हो जाए, है ना। आज तो तेरी ननंद भी घर पे नहीं है, यही सही मौका है मेरे पास। ये रामू मेरी चाय में क्या मिला रहा है? इसका मतलब ये है कि इसकी नज़र मेरे पर सही नहीं है, और पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं सही सोच रही थी, नौकरों की नज़र गंदी ही होती है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। बहुत गुस्सा करती ना तू मेरे ऊपर, हमेशा जब देखो चिल्लाती रहती है। आज के बाद तो सिर्फ प्यार देगी और प्यार से बात करेगी मुझसे। तू मुझे खुश रखियो और मैं तुझे, बस एक बार मेरे प्लान सक्सेसफुल हो जाए। क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ इशिका को कॉल करती हूँ, वो शायद मेरी हेल्प कर दे। फिर तू देख, इंग्लिश सब बोला ना मैंने, चौक गई ना, तेरी सारी बात सुनता हूँ, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सीख ली है मैंने भी। रामू आ रहा है। कितना अच्छा समझती थी मैं इसे, लेकिन ये मेरे बारे में ऐसे सोचता है? अरे इसकी गरीबी की हालत देखकर मैंने इसको काम पर रखा और ये मेरा ही फायदा उठाना चाहता है। इसको क्या लगता है कि मेरे पति घर पे नहीं रहते तो ये मेरा फायदा उठा सकता है? इसे तो मैं बताती हूँ, अभी इशिका को फोन करती हूँ। फोन किसका आ गया? भाभी का फोन। हेलो। हाँ भाभी। हेलो इशिका, कहाँ हो तुम? क्या हो गया भाभी, मैं बस ऑफिस के लिए निकल रही थी, लेकिन आप इतना घबराए हुए क्यों? अरे वो नौकर है ना अपना रामू। हाँ क्या हुआ राजू को? आज सुबह जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी ना, तो मुझे घूर घूर के देख रहा था दरवाजे के पीछे से। और दूसरी बात ये कि उसने ना मेरी चाय में ना क्लोरोफॉर्म मिलाया है, अरे वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। अरे भाभी आप घबराइए मत, मैं आती हूँ ठीक है, लेकिन हाँ उसने जो चाय आपको दिया ना, आप उसे पीना मत, सिर्फ पीने का ड्रामा करना और बेहोश होने का भी। मैं बस 5 मिनट में पहुँचती हूँ। इश्का तो कुछ भी कर पर जल्दी आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ भाभी आप घबराइए मत, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बस निकल रही हूँ घर के लिए, और उसकी अकल तो ना मैं ठिकाने लगाती हूँ, आ रही हूँ मैं। हाँ तू कुछ भी करके जल्दी आ जा, बाकी सब मैं देख लूंगी।
ये दो कौड़ी का नौकर की इतनी हिम्मत, इसे तो मैं बताती हूँ। इसकी औकात तो मैं याद दिलाती हूँ, मेरा फायदा उठाएगा ना, बताती हूँ इसे मैं। मेम साहब आपकी चाय। क्या अब मेरे सर पे क्यों खड़ा है? मेम साहब आप वो चाय पी लो ना, ठंडी हो जाएगी। मैं पी लूंगी, तू जाए यहां से। जी मेम साहब। अब ये चाय तो मैंने गिरा दी है, अब एक काम करती हूँ, जब तक ईशिका नहीं आ रही है ना, बेहोश होने का नाटक करती हूँ और उसे तो यही लगेगा कि मैंने चाय पी ली है। क्या बात है, पूरी चाय खत्म कर दी? इतनी अच्छी बनाई थी क्या मैंने? मालकिन आपको पता है मैं आपके साथ ना ये सब करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे प्यार को समझती नहीं, इसलिए आज मुझे ये सब करना पड़ा। जानते कितना चाहता हूँ मैं आपको, जबरदस्ती करने का कोई शौक नहीं है मुझे, वो तो बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगली बार से ना करनी पड़े। मालिक बाहर रहते ना तो थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो, आज के बाद सोचोगे। छोटी मालकिन आप यहाँ, आप तो काम पर गई थी ना? क्यों, मुझे देख के खुशी नहीं हुई तुझे? या तू अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया? कौन से मंसूबे मालकिन? मैं कप लेने आया था मालकिन का, चाय का कप। चुप, बिल्कुल झूठ मत बोल, सब पता है मुझे। जो चाय तूने भाभी को दी थी ना, उसमें तूने बेहोशी की दवाई मिलाई थी और तू उनका फायदा उठाना चाहता था ना? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मालकिन तो सो रही हैं, आप ही उठ जाएंगी, मैं चलता हूँ। यहीं खड़ा रहा, समझ में आ गया? एक कदम नहीं हिलाएगा तू यहाँ से। तू क्या समझ रहा था हम पागल हैं? दिमाग नहीं है हमें? रोटी नहीं खाते हम? यह सारा दिमाग तुझमें ही है। तुझे पता है जिस समय तू भाभी की चाय में नशे की दवाई मिला रहा था ना, उस वक्त भाभी ने देख लिया था और मुझे फोन करके उन्होंने उसी वक्त सब कुछ सच्चाई बताई। और तुझे क्या लग रहा है, इतनी देर से भाभी बेहोश है? नहीं, वो बेहोश नहीं है, होश में है वो, और वो सब कुछ सुन रही है जो यहाँ चल रहा है। भाभी उठ जाइए आप। क्या हुआ, सिटी पिटी गोल हो गई तेरी? अब जवाब नहीं है ना? अरे शर्म नहीं आ रही तुझे? हाँ, जिस घर में तेरे को पनाह दी, जिस घर में तेरे को रोटी दी, जिस घर में तेरे को एक एक मदद मिलती है, जहां से वहीं के लोगों के साथ तू ये सब करने चला था। अरे भाभी कितना प्यार करती है तुझे, अपने बच्चे की तरह रखती है, मेरे से पहले तेरी इच्छाएं पूछती है, मुझे बाद में खाना देती है, बोलती है पहले तुझे खाना दो, और उसका सिला तू ये दे रहा है कि अपनी माँ समान भाभी के साथ गलत करने चला है तू। तेरी गरीबी पे तरस खा के मैंने तुझे काम पे रखा और तू तू मेरा ही फायदा उठाना चाहता था। और क्या बोल रहा था तू कि मालिक घर पे नहीं है? हाँ, उनकी कमी मैं पूरी करूंगा। अरे अपनी तुलना तू मेरे पति से कर रहा है, मेरे पति तो देवता समान है और तू घटिया इंसान। रहने दीजिए भाभी, अब इस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी नीयत कैसी है वो तो हम दोनों ही देख चुके हैं। अरे अपनी माँ समान भाभी के साथ कोई ऐसा करेगा ना तो उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, कुछ तो शर्म की होती तूने। खैर भाभी, इसको इसके किए की सजा तो दिलानी पड़ेगी, इसे पुलिस में हवाले करते हैं। मालकिन पुलिस के हवाले नहीं करना मालकिन, हमारी गलती है मालकिन, हमें माफ, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, वादा करते हैं आपसे। पुलिस का नाम सुन के ऐसी तैसी हो रही है तेरी? हाँ, ये चीजें तूने तब नहीं सोचा जब तू इस घर के लोगों के साथ गलत कर रहा था? अरे तेरी गरीबी पे तरस खा के तुझे क्या नहीं दिया? अरे तेरा घर परिवार कोई नहीं है, सबने तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन सिर्फ उन्होंने उन्होंने जगह दी तुझे, और उसके बदले तू उनका ही फायदा उठाना चला था।
सजा तो तुझे मिलेगी, इतनी आसानी से तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। भाभी चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं इसकी। नहीं मालकिन, नहीं प्लीज पुलिस नहीं, मैं माफी मांग रहा हूँ दोनों से, कभी ऐसा नहीं करूंगा। चुप रह, ज्यादा ड्रामे मत कर, और हाँ निकल यहाँ से सबसे पहले। मालकिन पुलिस को फोन मत करो, समझ नहीं आ रहा तुझे? अब जो करना है वो हम दोनों कर लेंगे, तू निकल यहाँ से। मालकिन भाभी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक, शुक्र है भगवान का कि मैं सही वक्त पे आ गई, वरना इस कमीने ने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। आगे से हम अपने पास कोई नौकर नहीं रखेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो इशिका। भाभी आप बैठिए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ, कहीं वो कमीना दोबारा ना आ जाए। ठीक है।